लेकिन भारतीय मीडिया के अंदर मौजूद कुछ काली भेड़ें, कुछ जो बिकाऊ मीडिया का उस कैंपेन का हिस्सा है जो मोदी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर रुबिका लियाकत नामी एक भारतीय एंकर हैं। वो जब टीवी के ऊपर बात करती हैं, जब वो टीवी के ऊपर बकवास करती हैं, तो वो कुछ नहीं देखती कि उनके सामने कौन गेस्ट है। वो अपना जो अल्फाज है वो दूसरों के मुंह पर डालने की कोशिश करती हैं और अजीब और गरीब लहजे के अंदर वो गुफ्तगू करती हैं। लेकिन जब इलेक्शन से पहले मोदी की प्रोजेक्शन करते हुए वो बिकाऊ मीडिया की वो जो एक एलिमेंट है रुबिका लियाकत, उन्होंने मोदी का एक इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू में कुछ बातें हुई, वो जरा सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। मैं सोया नहीं, और मैं कैसे सो सकता हूँ जी, जब मुझे पता है कि एक बजे होने वाला है, डेढ़ बजे होने वाला है, दो बजे होने वाला है, ये पता है और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि हर पल कोई मुझे रिपोर्ट करे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता था कि होने के बाद मैं जागता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, होने के बाद मुझे बताइए। सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। जी आपने सुन लिया रुबिका लियाकत क्या कह रही हैं, अब इसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि क्यों वो जो मोदी के खिलाफ बात करने से गुरेज करती हैं और अपने टीवी चैनल्स के अंदर बाकी मेहमानों के साथ बकवास करने वाली है रुबिका लियाकत, मोदी के साथ किस लहजे में गुफ्तगू कर रही है, क्या रिश्ता है उनका, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब जो मोदी सरकार का जो बिकाऊ मीडिया है वो जिस तरीके से प्रोजेक्शन कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के बाद, मेरा ख्याल है कि बहस करने को और को उनके पास कोई चीज नहीं है, तो अब बहस इसके ऊपर जारी है कि वजीर आजम ने जो जूते मारे हैं भारतीय मोदी सरकार के मुंह पे, वो जूते प्लास्टिक के थे या लेदर के, इसका फैसला हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल जूते वजीर आजम ने मार दिए भारतीय मोदी सरकार के मुंह पर।